स्टॉप। किसी ने सवाल पूछा था, क्लैरिटी हो गई, अभी भी दिक्कत है तो बोलो, मैं दोबारा से बोलूं। एक भी किसी को मैं इनकम्प्लीट छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है? समझ में आ गया है कि रूल ऑफ थंब है, गठबंधन होगा तो पीएम कमजोर होंगे क्योंकि सत्ता के एक से अधिक ग्रुप बने, और पीएमओ मजबूत होगा क्योंकि पीएम यूजुअली रिफॉर्मिस्ट होते हैं। हमारे देश में पार्टियां कोई भी हो, प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे मिलते रहे, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ये बात मानना चाहिए। हर प्रधानमंत्री ने गजब का काम किया। आज के जो प्रधानमंत्री हैं ये भी अच्छा कर रहे हैं, इससे पहले वाले सारे अच्छा किए हैं। जब भी सुधार करेंगे ना ज्यादा तो बदनामी सहना पड़ता, ये एक पॉइंट है। राजीव गांधी जब एलपीजी पैराडाइम कर रहे थे तो लोग कह रहे थे, बताओ ये नया लड़का है, मंत्रिमंडल में बूढ़े बूढ़े लोग थे, ये तो डुबा देगा देश को, ऐसा लोग कहते थे उस समय। और डूबा क्या देश, आगे बढ़ा। कई चीजें बाद में समझ में आती, कुछ दवाई ऐसी होती जो रिएक्शन करती, बाद में ठंडक पहुंचती है दिल को। जितने सुधार आप देख रहे हैं, जितनी चीजें देख रहे हैं, राजीव गांधी वॉज द यू टर्न, है ना, हेयर पिन टर्न, जैसे कैसे सांगफो जो है नामचा बरवा के पास घूम के ब्रह्मपुत्र बनती है, पूरा रास्ता बदल देता। वो ऐसे वो भाग्यशाली हम लोग की 80s में हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो मार्केट थ्रेचर को नकल कर रहे थे, वो इस टाइप के हो जाते ना, क्या है सबसे मतलब नहीं। हम तो जी पुराने स्वदेशी, है ना, सरकारी प्रक्रिया, तो आज भी भ्रष्टाचार का ये कब्रगाह बन गया होता है ना, हमें भी दूसरे देशों के यहाँ जा करके पैसा मांगना पड़ता। और चाइना इतना तेजी से राइज कर गया मार्केट बेस्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी करके, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो ना कि निजीकरण करने से दुख हो जाएगा, गांव का कष्ट हो जाए, कष्ट ही खत्म हो जाता ठीक से किए रहते तो। चाइना ऐसे, उनके थोड़े एसी के क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए। तो चाइना ऐसा था क्या, चाइना तो डूब रहा था समाजवादी उपागम पे चल के, 79 से चेंज करता है, आते हैं वहां पे 80s से कमाल का ग्रोथ है। देखिए चाइना आज कैसा है, गांव गांव में उनके यहाँ कितना हो गया, प्रीफेक्चुरियल गवर्नमेंट है, काउंटीज है, कितना अच्छा काम करती है, है ना, लोग सुखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, सब अच्छा काम करते हैं, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब कोई भी, जैसे रामदेव बाबा को लोग कहते हैं, उनका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि ये भी जो है ना तो योगा के नाम पर कमाते हैं। अच्छा तो कमाते हैं तो कुछ दे भी रहे हैं या सिर्फ कमाते रहते हैं, छुछू छुछू सांस अंदर बाहर ये तो चल रहा है। अच्छा गिलोय, गिलोय पैदा कौन करेगा, मंगल ग्रह से लाते होंगे हम लोग, ये उनकी जो कंपनी है अब तो उनका हालांकि ट्रस्ट है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ठीक से जो देखेगा वो जानेगा ना, ठीक से देखेगा तब पता चलेगा कितना दान करने वाली कंपनी है। अगर गिलोय का यूज बढ़ जाता है देश में, सुबह सुबह चाय पीने के बदले गिलोय पीते हैं या एलोवेरा पी रहे हैं या हवाई जहाज में भी एलोवेरा बांटने लगे, तो क्या मंगल ग्रह के अमेरिका से हम लोग गिलोय लाएंगे क्या, फायदा अमेरिका को होगा, ये सब कहां मिलता है, कौन करेगा इसका, किसान। कितने ऐसे लोग हैं जो निचले लेवल पर जिनको जॉब मिला हुआ है, तो एग्रो ब्रेस जितनी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो क्या नौकरी नहीं दे रही हैं। अच्छा और भी एग्जांपल लीजिए, यहां से बाहर जैसे निकलोगे तो एक दूध का स्टॉल होगा, लिखा होगा ऊपर मदर डेयरी, पूछना कि कौन सा मंत्रालय में आता है, नहीं आता है ना जी, मंत्रालय का नहीं है, सिविल सोसाइटी है, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट प्लेयर्स है, लोग चलाते हैं, दूध अच्छा है, मक्खी बिन बिनाता हुआ नहीं मिलता है, जो है ऑप्शन वो अच्छा यही है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे या इधर, पता नहीं मैंने देखा नहीं है कहीं, लेकिन मेन रोड पे जीटीबी नगर जाओगे तो रास्ते में पीला पीला बूथ दिखेगा कहीं एक दो जगह, जो बंदा बहादुर जो बस स्टैंड है उससे आगे पीला पीला कलर का, उसमें ऊपर लिखा होगा डीएमएस, दिल्ली मिल्क स्कीम, वो दिल्ली सरकार का है, सरकार का है। जाके खड़े हो गए ना उतने में 30-40 वायरस अटैक कर देंगे, उनका दूध मक्खी भी बहनाता हुआ, उनका स्टॉल ही देख के समझ में आ जाएगा, वो सरकार है, ये गवर्नेंस है, पूछ लेना है जाके, अभी क्लास के बाद ही अंतर देख लो, इसे समझ में आ जाए। हाँ अब ये लॉजिक फिर दारू की दुकान में नहीं होनी चाहिए, वो गलत था, वो ठीक नहीं था, वो उस पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन ही चाहिए। देखो मतलब संविधान तो मना करता है ना, हमारे डीपीएसपी में तो मना है, लीकर के तो अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन गांधीयन आइडियोलॉजी है डीपीएसपी में है, तो एंटी लीकर तो हमें काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी दारू का दुकान क्यों होता है, लीकर के शॉप क्यों होते हैं। गवर्नेंस के बाद अब ध्यान दीजिए, ऊपर दुकान पे देखोगे तो लिखा हुआ रहता है दिल्ली टूरिज्म एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन, टूरिस्ट के लिए है भाई। देखिए पश्चिमी देशों में, यूरोप में, अमेरिका में जहां -45 डिग्री टेम्परेचर होती है, ऐसा ही तो दारू नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, इतने ठंडक में रहते हैं वो लोग। हमारे यहाँ आएंगे जब, सरकार ने ये बनाया है टूरिस्ट के लिए, आप देख लेना, आपसे उतरोगे वो भी है कि नहीं, इधर कहीं कहीं था शायद, बंद हो गया होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का था, वो ठीक नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था, वो पॉलिसी रिवोक की गई, वो ठीक किया गया है ना। तो किसके तरफ से होगा, गवर्नमेंट के तरफ से होगा, चूंकि रेगुलेशंस में होना चाहिए, वरना कोई भी दारू पीने लगेगा। अभी तो ऐसी हो गई कि बस
मतलब एज भी घटा दो, कभी भी मिलेगा, रात के 3 बजे तक मिलेगा, तो लीजिए सारे युवा जो है, भारत युवा देश है। विवेकानंद कहते हैं कि युवाओं की भुजाएं इस्पात के जैसी होनी चाहिए, और सब फूफू कंपनी पी पा के कैसे कर लेंगे, ऐसी भुजाएं बन जाएंगी, वो ठीक नहीं था ना। तो उसको प्राइवेट हाथों में क्यों देते, जो प्राइवेट प्लेयर्स, देखो जैसे दिमाग, इंटेलिजेंस, अब दिमाग लगे कल्याण में, अच्छा दिमाग, और अच्छा दिमाग लग जाए क्राइम में, उसी दिमाग को घुमा दो, गड़बड़ हो जाएगा ना, पॉइंट ये है। लेकिन अब अगर देखोगे कि आखिर गवर्नमेंट कहीं पे चलाती है तो ऊपर लिखा होगा दिल्ली टूरिस्ट एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, उनके लिए। अभी अलग बात है कि कोई भी खड़ा हो जा रहा है, रिक्शा वाला भी खड़ा है, कोई भी खड़ा है वहां पे, नहीं होना चाहिए उसको। अब वो भी बहुत, अब जो इंडिविजुअल फ्रीडम भी है, एकदम से रोक भी नहीं सकते। अगर कोई एडल्ट है, अगर ऐसा ऑप्शन देते हो आप, तो कैसे रोक दोगे कि तुमको नहीं देंगे? ऑथोरिटेटिव नहीं है ना, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का अपना कुछ चैलेंजेस भी होता है, कुछ कमियां भी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड वे में रहेगा अगर वो सब गवर्नमेंट के रेगुलेशन में रहे तो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दूध प्राइवेट हाथ में, और दूसरा चीज सरकारी हाथ में रहना चाहिए, ठीक है ना? ऐसी बात है। देखो, हम पार्लियामेंट जब होगा तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, नंबर वन। देखो क्या है, जब भी हम चुनाव में जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री आप होते हैं। जिस दिन से आचार संहिता लागू हो गई, आप गए, इलेक्शन हुआ और हम पार्लियामेंट हो गई, इसका मतलब है किसी दल को बहुमत नहीं है। पहले वाला जो प्रधानमंत्री है वो एक्चुअल प्रधानमंत्री नहीं है, क्या है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 का सिद्धांत नहीं चल रहा है, और राष्ट्रपति आपका बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट होता है, कुछ भी करोगे नहीं माना जाए, ठीक है? देखो दो तीन चीज ध्यान रखो, राष्ट्रपति के लिए विवेकाधिकार नहीं है, ध्यान से सुनो, जिसको आप विवेकाधिकार समझते हो बोलचाल की भाषा है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रीरोगेटिव पावर है, विशेषाधिकार है ना। संवैधानिक रूप से विवेकाधिकार राज्यपालों को दिया गया, ठीक है, क्या है वो, आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से जो मिनरल्स आ रहा है उसका बंटवारा, और अगर कोई राज्यपाल किसी एडजेसेंट यूटीज का चार्ज लेता है तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, दो ही है, तीसरा नहीं। अब सिचुएशन उत्पन्न होता है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, जैसे मृत्यु हो गई पंडित नेहरू की, तो अब प्रधानमंत्री नहीं है तो इनके मंत्रिपरिषद के कोई भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 75 में क्या कहा गया, अन्य मंत्री की नियुक्ति पीएम के सलाह पर होगा, जब पीएम ही नहीं तो सलाहकार ही नहीं है, तो गारंटर कोई नहीं है, खत्म। अब राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। इंदिरा गांधी को कहा गया पीएम बनाने के लिए, किसको बनाया, कल बताया गुलजारी लाल नंदा। तो या तो सिचुएशन ऐसा है कि डेथ हो जाए तब, हम पार्लियामेंट हो जाए तब, कोई नहीं है, और तीसरा कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए और फिर प्रधानमंत्री कहें कि इसको भंग कर दीजिए, तो भी मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, क्वेश्चन ही खारिज हो गया आपका, ठीक है? ऐसे सब चलिए साहब, तो हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाएं। ये हम लोग बात कर रहे थे कि इस फेज में गठबंधन के दिनों में हमेशा इन्फ्लुएंशियल होगा, और हमने ज्यादातर जो फेज देखे वो गठबंधन के ही देखे, मतलब पोस्ट राजीव गांधी 89 से लेकर के 2014 तक, ऐसे कि टेक्निकली तो गठबंधन आज भी है लेकिन बड़े घटक दल को बहुमत है, तो छोड़ देते हैं, 2014 से ही जोड़ लेते हैं, तो 89 से लेकर इतना कितना लंबा समय गठबंधन का रहा, उसमें पीएमओ स्ट्रांग होता चला जाता है। लिख दीजिए अगला पॉइंट, राजीव सरकार के द्वारा बड़े बहुमत, थ्री फोर मेजोरिटी थे इनके पास, बड़े बहुमत और सुधार के बड़े बड़े प्रयासों के अलावा बीजी देशमुख, इनका नाम लिख लीजिए, आधा कटा हुआ है मैं यहां लिख देता हूं, बीजी देशमुख जैसे व्यक्ति को जो पहले मंत्रिमंडलीय सचिव रह चुके थे, उन्हें पुनः प्रधान सचिव नियुक्त करना
यह संदेश देता है कि पीएमओ पीएमओ के निर्देश का पालन पीएमओ के निर्देश का पालन मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भी करना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी पढ़ेंगे हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरियट, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है आईएएस का सर्वोच्चतम पद है, उससे बड़ा अधिकारी नहीं है। ऑफिशियल वारंट में औपचारिक रूप से कहें तो उससे बड़ा नहीं, 11वें नंबर का व्यक्ति है देश का। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ना, प्राथमिकता का क्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा उस क्रम में आएंगे तो जो 7वां नंबर मुख्यमंत्री वगैरह का होता है, वैसे ही 11वां किसका होगा? कैबिनेट सचिव का। तो जो व्यक्ति कैबिनेट सचिव रह चुका हो उसको भी बाद में अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हैं तो ये मैसेज क्या जाता है कि आपसे बड़ा आदमी कौन है, जो बाद में प्रमोशन होगा ना। जैसे आप पहले डीएम रह लोगे तो उसके बाद आप डिविजनल कमिश्नर बनोगे, फिर आप चीफ सेक्रेटरी बनोगे, या किसी राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनोगे उसी राज्य में जिस कैडर में होगे। ठीक है, इस तरह से होगा ना, बाद में क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं, राजीव गांधी अपने उसके लिए जाने जाते थे, डिसिसिव थे बहुत ही ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ही नियंत्रण में रहती थी। यूपीएससी में एज भी घटाया था इन्होंने 1986 में, 3 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट कर दिया था, 28 से 26 कर दिया था, है ना। इतना ज्यादा उम्र तक पढ़ते ही रहोगे तो क्या होगा। और उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि हाय हाय का नारा लगाते, या प्राइम मिनिस्टर को 5 लाख गाली पड़ चुका होगा, है ना, ट्विटर पे, वो सब जमाना तो था नहीं। कोई भी विरोध करता था तो बजर्स भेजे जाता था, बजर्स जानते हो, गोल गोल गाड़ी घूमता, धाए 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 गोली मारता है। इसीलिए लोगों ने हरा भी दिया, इस देश को पचता नहीं है ज्यादा सुधारक, रिफॉर्मिस्ट जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं पचता। उसका मुख्य कारण क्या है, कभी कभी अपनी कमियों को भी याद करना चाहिए। समाज में ही भ्रष्टाचार छुपा हो, ढुलमुल नीति, है ना, हम लोग बोलते बहुत हैं करते कम है, ये सोशल एक तरीके से है ना, न्यूसेंस भी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो दिखता है। कोई भी जैसे स्वीडन वाला है ना, टॉप 4 में रहता है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, लीस्ट करप्ट कंट्री में होता है। अगर उनको बुला लेना हम लोग, कभी दिन कभी 2-4 दिन गुजारिए हिंदुस्तान में, तुरंत हमारे जैसे हो जाएंगे, मोस्ट करप्ट में आ जाएंगे। हम लोग के पास हर चीज का इलाज है, जैसे जुआ जैसे हमारे यहाँ लॉ है कि भाई जुआ नहीं खेलना है, कानून है, जुआ मना है, मिट्टी पे जुआ नहीं खेल सकते, ऐसा काम खतरनाक कानून। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा मिट्टी पे नहीं खेल सकते, पानी पे खेल सकते हैं। गोवा जाओगे कभी तो मांडवी रिवर है, ऊपर अटल सेतु, उसके नीचे मांडवी रिवर, उसमें जितने क्रूज हैं सब घूम रहे होंगे, वो सब जुआ के घर है, पानी में घूमते हुए जुआ खेल, कसीनो जितने हैं सब उसी में, बिग डैडीज एंड ऑल, लॉ के लिए तुरंत रास्ता खोज लिया। बताओ इस देश में क्या उपाय है, बताओ कानून में इससे तगड़ी बात और क्या लिख सकते कि भारत के सीमा क्षेत्र में मिट्टी पर औपचारिक रूप से जुआ नहीं कर सर पानी पे खेल सकते हैं। कमाल के लोग। अच्छा देखिए कितना माइंडसेट, कितना ड्यूअल माइंडसेट है। गोवा हुआ में जाके लोग क्या करते हैं, अब देखो कि थोड़ा कपड़ा उपड़ा निकाल के एकदम उफू कंपनी करते हुए सेल्फी उल्फी लेते हैं और लगाते हैं, वो मॉडर्न कहलाते हैं। गांव में ऐसे ही कर रहा है, कपड़ा है ही नहीं, खाट पर बैठ के हुक्का पी रहा है, तो उसको हम लोग कह देते हैं खराब है, ये गांव का देहाती है, अच्छा नहीं, कैसे हो गया जी, काम तो एक ही है कि नहीं है, वो मॉडर्न हो गया, ये देहाती हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा कोई परिभाषा हो सकती है, ये सब फितूर है। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन का अंधानुकरण जो है ना, जो कि किसी ना किसी तरीके से कल्चर के अगेंस्ट में चला जाता है, वो ये है। तो इसलिए मतलब अकबर बाबर के जमाने से ब्यूरोक्रेसी में गद्दारी रही है। सो अभी पढ़ेंगे एक चैप्टर, एक दिन लाइफ में आएगा भ्रष्टाचार, उस दिन आपको समझ में आएगा। तो ऐसे कंट्री में आसान काम नहीं है चीजों को डील करना, मतलब कहानी सुनते रहोगे ऐसे ही कि थोड़ा सा बढ़ेंगे। चलो तो अगला पॉइंट, एक फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है वो लिख दीजिए, वाजपेयी जी के जमाने में एक फैक्ट, एक और पॉइंट्स। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्र, ये दिख रहे हैं आपको, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, एकमात्र व्यक्ति जो गैर आईएएस प्रधान सचिव रहा है ना, याद रहेगा, ब्रजेश सचिव, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट मत लिख लेना,
फॉरेन सर्विस, प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्र के द्वारा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए पहल किया गया। पहले एनएसए भी यही है, आप जानते हैं जो अजीत डोभाल साहब हैं, है ना, के पद के लिए पहल किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ में गृह मामलों का एक यूनिट या सेल स्थापित किया गया, यूनिट या सेल स्थापित किया गया, ठीक है। इसे क्या हुआ, चार मंत्रालय साफ, तीन तो पहले ही से थे, एक और हो गया। अब इसके बाद कोई मंत्रालय है उसमें किसी में कुछ है होता है, यही सब पावरफुल है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का पावर सीजी है, बाकी जो है चारों के लिए यूनिट है। प्रधानमंत्री कुछ कह देंगे कि ऐसा करो, क्या बोलोगे सर ऐसा नहीं होना चाहिए, बोल पाओगे? कोई भी मंत्री या उसके यहाँ का अधिकारी होगा ऐसा? मान लीजिए कि आजकल के तो प्राइम मिनिस्टर इनका फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वाला स्टाइल है, ये तो घर जाते होते नहीं है, जब यहाँ रहते तो 8 बजे से बैठे रहते हैं, बायोमेट्रिक लगा हुआ है। और भाई सेक्रेटरी लोग पहले शर्माते हैं आने, पहले तो तक कलर फिल ही होगा ना, यहाँ प्रधानमंत्री बायोमेट्रिक लगा के अंगूठा लगा के बैठा हुआ है, कैसे नहीं करोगे? और शाम हो गया, 6 बज गया, 7 बज गया, कहीं जाएंगे तब ना। अब बाकी लोग कैसे जाएगा, जब बॉस ही रहेगा पूरा मामला फैला बैठा रहता, अब कितना रात तक क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। काम करना, इस सरकार को अगर ब्यूरोक्रेसी से वोटिंग करवा दोगे तुरंत हरा देगी। इतना काम करवाया इसका जवाब नहीं। नौकरशाह की परिभाषा जानते हैं क्या होता है? देखिए, जो सचिवालय में लेट से आता हो, मतलब 9-10 बजे आ जाना चाहिए, 11 बजे आता हो, देर से आता हो सचिवालय, आते ही लाल बत्ती जला देता, सेक्रेटरीट में जाएंगे तो दो गेट पे रेड और ब्लू होता है, रेड है मतलब सेक्रेटरी सेक्रेटरी कुछ भी और उसका पी है, अंदर नहीं आएगा, मतलब कोई खास काम कर, अंदर कोई खास काम नहीं किया हो, फोन उन करके पूछा होगा तुम देख लिए क्या वो वाला सिनेमा, ऐसा ऐसा अपने बाकी लेवल के बराबरी के लोगों से इस तरह से पूछा होगा। उसके बाद फिर ब्लू होगा, रेड खत्म हुआ, फिर फाइलों पर नकारात्मक टिप्पणी करते हुए समय से पहले निकल जाता हो, मतलब अपने टाइम तक नहीं है, 3-4-5 बजे निकल गया, अच्छा घर नहीं पहुंचेगा, बीच में बहुत सारा चीज है, समय से पहले निकल जाता, बीच में गड़बड़ करते हुए देर रात खाने के टेबल पर अपनी पत्नी के खाने में कमियां ढूंढते हुए डिस्प्रिन की गोली खाकर सो जाता, उसे कहते हैं नौकरशाह। एसआर महेश्वरी जी ने अपनी किताब में यह परिभाषा लिखी है और यह आलोचनात्मक टिप्पणी करती हुई परिभाषा है जो ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टर को बताती है कि जो नौकरशाही है उसका नेचर कैसा है। ऐसी नौकरशाही से वो काम करवाया प्रधानमंत्री ने, वो काम करवाया जो टाइम से पहले आती है और देर रात तक काम नहीं कर पाती है और इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि जाके खाने के टेबल पर कुछ नकारात्मक टिप्पणी, क्योंकि कल सुबह में आना, ठीक है, यही है। पॉलिटिकल मास्टर गंभीर हो जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। ये भी आपने लिख लिया, तो चार मिनिस्ट्रीज इनके हाथ में आ गई। अब किस जगह पे कुछ है नहीं, एक लाइन जोड़ दीजिए, एक अगला पॉइंट। आज मोदी युग में बहुमत पर बहुमत, बहुमत पर बहुमत प्राप्त होना, कॉमा जनता पर प्रधानमंत्री का प्रभाव, सशक्त कार्यशैलियों ने पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अत्यधिक सक्रिय व सशक्त बनाया है। जानते हैं कभी भी कुछ भी डिसीजन हो जाता है, लागू हो जाएगा, नोटबंदी ये वो, आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए, अगर पीएमओ बहुत सक्रिय होगा तो उसके दो तरह के प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए बताइए, इधर से पहले बताइए,
क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जी? पीएमओ अगर बहुत ही एग्रेसिव हो, अब आप तो सारे एग्जाम्पल देख चुके, आज ही का नहीं है ये, नहीं कि इस सरकार, ये बहुत पुरानी कहानी। तो पहले तो पार्टी पॉलिटिक्स वाला जो एटीट्यूड है उससे हट करके सामान्य तरीके से, अनबायस तरीके से बताइए क्या इससे फायदा होने वाला है। इधर से निर्णय जल्दी लिया जाएगा, वेरी गुड। और बताओ बताओ, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्या हो है? क्या होगा? पॉलिसी बेहतर बनेगी, अच्छी बात है। और क्या होगा? शासन में पारदर्शिता, ऐसा कहा है ये बात थोड़ी होगी, ये पॉइंट नीति क्रियान्वयन में बाधा नहीं, वेरी गुड। इधर से बताइए, आगे जो लोग कुछ बैठे हैं क्या फायदा हो? कठोर निर्णय, निगेटिव हो गया ना कठोर, मैं अच्छा पूछ रहा हूं अभी, पॉजिटिव, सॉरी। तो वो तो ऐसे नहीं बोलो, वो कोई उस लिहाज से गलत थोड़ी है, एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण का काम होगा, बोलो ये है ना, ये टेक्निकली। हाँ, कठोर शब्द बोल रहे हो तो मतलब कुछ और हो जाए, क्या क्या एक एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, यूनिफिकेशन हो जाएगा सारे जगह, ठीक बात है। और सॉरी, हाँ बताओ, कार्य दक्षता बढ़ेगी, हाँ थोड़ी एक्सपर्टाइट हो जाएगा, अनुशासन रहेगा, ब्यूरोक्रेसी में काम करेंगे, ठीक बात है, लगभग ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ही फर्म रहेंगे सीमा पे, हाँ ठीक बात। एकदम पीछे वाले सर, अब वहां से आधे से पीछे, पीछे वाले मुस्कुरा रहे हैं हाँ, क्या क्या फायदा होगा, सकारात्मक प्रभाव क्या है? चलिए लगभग पॉइंट आ गया है, तो आप लोग नकारात्मक बताना शुरू कर दीजिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत सक्रिय होगा तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? पिछले साइड से, इधर से कोई नहीं बोलेगा, क्या होगा? थोड़ा तेज बोलो, ये देखते हुए कि इतना दूरी है, बुजुर्ग को सुनाई कम देता है। शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, ठीक है, इससे नुकसान क्या होगा? तानाशाही, सब ठीक है, 75 से 77 में आप एग्जाम्पल भी आपके पास है पीएमओ का, ठीक है। और होगा, मोनोपोली होगी तो थोड़ा सा होगा ऐसा, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, लालपिता शाही, ठीक है। असंतोष की भावना रहेगी, मोरल गिरेगा, ठीक बात। इधर बताइए, अनुशासनहीनता कहां हो पाएगी? नौकरी में रहोगे तब ना दबाव कुछ डाल पाओगे, अनुशासनहीनता जब तक, देखो बात सीधे जब प्राइम मिनिस्टर की है तो कहां अनुशासनहीनता आती है? राजीव गांधी की सभी कुछ कहानी सुनाया होगा आपको मैंने, मंत्री सचिव संबंधों की, एपी वेंकटेश्वरन की कहानी नहीं सुनाई थी? अच्छा, सुबह वाले को सुनाया होगा, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। क्या क्या, कौन पार्टी, हाँ कह सकते, कह सकते। संभावनाएं होंगी, चूंकि एकीकरण है तो वन पॉइंट एट वन गो डिसीजन होगा, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया, ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं ये पॉइंट है कि जो संघवाद है हमारा, केंद्रीकृत संघवाद की ओर बढ़ चलेगा, होना चाहिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म। वैसे तो हम लोग और लोगों ने अपनाया ही है यूनियन टाइप का फेडरल सिस्टम, जैसा कैनेडा है, जिसमें केंद्र को शक्तियां अधिक होती है, पहले ही से दे रखा है, तो अब उसमें पीएमओ सक्रिय हो जाए तो अब क्या बचेगा, तो केंद्र का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है ना। और हाँ, ये कह सकते हैं ऐसी, देखो जो आप जो बात कह रहे थे ना, ठीक है, अब समझ गए, पॉइंट्स आ गए, ये पॉसिबल नहीं है नेगेटिव में, अनुशासनहीनता करने का तो जगह ही नहीं है, नंबर वन ये बात समझो, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर एग्रेसिव हो तो आपका नौकरी जो है ना, जो आर्टिकल 311 है, देखिए मंत्री हो या कोई सचिव हो,
छोटे लोगों की तो बात ही नहीं है, उस लेवल पे तो इतना नीचे प्रधानमंत्री के पास समय ही नहीं है जाने का। आईएएस की बात कर सकते हैं, आईपीएस की और मंत्रियों की, किसी का नौकरी सेकंड में भी जा सकता है, जो ये कह रहे थे गजनवी बोला जा सकता है। तो देखिए राजीव गांधी बहुत ही रिफॉर्मिस्ट व्यक्ति थे, ठीक है, आपको एक बता देते हैं कि सी ए शास्त्री एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल के लोगों को सेकंड में हटाते थे, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करते थे। रिमूवल और डिसमिसल में अंतर है, जब रिमूवल होता है तो आप किसी नौकरी के लायक होते हैं या सरकार से कुछ सेवाएं आपको मिल सकती हैं, कुछ ठेकेदारी मिल सकती है। डिसमिसल का मतलब दंडात्मक प्रावधान के साथ पदमुक्ति, इसके बाद सरकार से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार की कहानी है, अगर आपको नहीं बताया है तो, एपी वेंकटेश्वरन नाम के विदेश सचिव हुआ करते थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और राजीव गांधी आप जानते हैं श्रीलंका में सेना भेजना चाहते, अभी भारत श्रीलंका पे आईआर पे सवाल भी आया है इस बार, तो शांति सेना भेजना चाहते थे, ठीक है। और ये जो अधिकारी है ये मीटिंग में हमेशा रोकवा देता था, अपने से तो डिसीजन लोगे, मीटिंग करोगे, तो विदेश मामलों का जानकार हो करके कह देता था ये व्यक्ति कि देखिए भाई भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनाया है नीति, बेसिक टीनेट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, आधारभूत नीति, कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करते, और भारत के संविधान का 51 आर्टिकल का सहारा लेकर ये बात समझा देता। अब वो शांत हो जाते थे कि ये कुछ करने ही नहीं देता है यार। पीएम हो तो आप ऐसा नहीं कि आर्बिट्रली काम नहीं करोगे ना, अपने लोगों मैनेजमेंट से बात करके ही होगा ना, भी ऐसा सिस्टम चलता है। तो हिट लिस्ट पे तो था ही, टारगेट पे तो था ही। अब हुआ क्या, एक पत्रकार नौकरी खा गया, एक मिनट, साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय है, साउथ ब्लॉक में ही प्रधानमंत्री कार्यालय, ये पत्रकार विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पीसी वहां पे बैठा हुआ था, और एपी वेंकटेश्वरन कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री अगले महीने सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो इसका कन्वेंशन है उसमें यही लिखा हुआ है कि जब भी सार्क का सम्मेलन होगा तो पीएम रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये कह रहे थे, ठीक है। अब उन दिनों पाकिस्तान में एक मोहतरमा होती थी प्रधानमंत्री, और थोड़ा सा आप पत्रकारिता में जानते हैं, पीठ पत्रकारिता, प्यार मोहब्बत के कहानियां ये सब छपते रहते थे कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं इससे भी। अब वही पत्रकार निकला उसमें से, साउथ ब्लॉक से पीएम निकल रहे थे कहां से, मतलब तो विदेश सचिव तो भाग्य थोड़ा खराब होगा, जाके पत्रकार कह दिया पीएम को, सुना है सर आप अगले महीने पाकिस्तान जाने वाले, थोड़ा अधिक तरीके से। अब उनको लग गया कि ये कुछ छापेगा उल्टा पुलटा, है ना, लिखेगा, तो पीएम को थोड़ी पता होता है कि कहां जाने वाले हैं, कल अभी 10 मिनट में क्या करने वाले हैं, एक एक मिनट का बना रहता है, मिनट टू मिनट, हर मिनट का जो है ना उसका पर डे तय होता है, मतलब टॉयलेट बाथरूम के अलावा आपको ब्यूरोक्रेसी कभी छोड़ेगी नहीं, है ना, मतलब उसके गेट तक खड़ी है ब्यूरोक्रेसी, हम नहा के निकल गए हैं, कपड़े पहन के ब्यूरोक्रेसी खड़ी है कि सर अब ये करना है, अब आप ऐसा करेंगे, अब वो करेंगे, जब तक कि कोई बहुत ऐसा कुछ ना हो जाए तब तक आप चेंज नहीं करते हैं, पीएम है तो वो प्रोग्राम तय होता है, अगले 6 महीने का प्रोग्राम ऐसा ही तय होता है। अब पीएम स्टेशन छोड़ता है ना, तो जो हमारा जो एयरफोर्स वन है उसका हवाई जहाज का एक टेक ऑफ एक लैंडिंग के बाद सब कुछ बदल दिया जाता है, सब कुछ नया, एक भी ऐसा एरर नहीं रहता है, है ना, तो सब ऐसा वैसा पद तो है नहीं। तो अब वो पूछती है कि अरे किसने कहा ये बात, तो उसने कह दिया कि सर 10 मिनट पहले आपके विदेश सचिव अभी पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हम जाने वाले हैं, तो ये तो कंडक्ट रूल का वायलेशन है, कंडक्ट रूल में कि पॉलिटिकल मास्टर से पूछे बिना उसके बारे में बोल ही नहीं सकते हो मीडिया में, आप लोग भी ध्यान रखना नौकरी में जाओगे तो, बिना पॉलिटिकल मास्टर से पूछे हुए उसके फंक्शंस के बारे में मीडिया में बोलना आचरण के नियम का उल्लंघन है, तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का है। तो नायक फिल्म देखे थे ना, मुख्यमंत्री एक था ना टाइप करने वाला, तो टाइप करो थी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, फैक्स भेजो तुरंत, वहीं का वहीं नौकरी खा गए, भेजो उसको निकालो, और उन्होंने कह दिया कि अगले 10 मिनट में आप मेरे दूसरे विदेश सचिव से बात कर रहे होंगे, वापस जाओ, जाके बैठो साउथ ब्लॉक में, अगले 10 मिनट में सही में एक दूसरा व्यक्ति पीसी कर रहा था, ये थे राजीव गांधी। बाद में उनको पता चला कि अरे भाई वो बोला था कि सार्क सम्मेलन में जाने वाले हैं, तो देखो पत्रकार इतने खतरनाक होते हैं, ऐसे ऐसे नौकरी खा जाते हैं, इसीलिए एक तो पहले नौकरी में जाना, तो जैसे ही पत्रकार आए कहे जितना संभव है बचने का, जब क्राइसिस रहेगा कोई राइट वाइट हो जाए तो बोलना ही पड़ेगा आपको प्रेस में, बचते रहो, बोलो कि अभी बिजी हैं, ये हैं वो हैं, कम ही मिलो, नहीं तो ये नहीं कहा हाँ अरे आओ बताते हैं, ऐसा नहीं कि बस कुछ से कुछ यहाँ से निकालेगा, कट कट करके सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी चला देगा, और कंडक्ट रूल पर बैठ जाएगी कमेटी जांच करने के लिए। ये सब बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का सब जगह होता है, ठीक है। तो बाद में उनको फिर ऑफर किया गया गवर्नरशिप वगैरह की, आप गवर्नर बन जाइए कुछ, और फिर वो चले ही गए, वो ज्वाइन नहीं किया। इस तरीके से तो था, क्योंकि आर्टिकल 311 क्या कहता है कि आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का कोई नहीं हटा सकता, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, आर्टिकल 74 के सलाह से करेंगे, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो नौकरी कितना सेकंड का देरी लगेगा, ऐसा
इसीलिए इस लेवल पे जब बात हो तब कोई पॉइंट नहीं, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं बनता। चलिए लिख दी, बीच में लाइन खींची ऊपर से नीचे, लेफ्ट साइड में लिखिए, पीएमओ की सक्रियता के सकारात्मक प्रभाव, पीएमओ की सक्रियता के सकारात्मक प्रभाव। दाहिने साइड में पीएमओ की सक्रियता के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। लेफ्ट साइड में पहला पॉइंट सकारात्मक में, अब आप किधर लिखे हो सकारात्मक मुझे नहीं मालूम, कई लोग उल्टा लिखते हैं जब, है ना, पता चला सब डुबा मत देना। लेफ्ट साइड में सकारात्मक प्रभाव हमने बोला, अच्छा प्रभाव क्या पड़ रहा है, पहला नीतिगत स्तर पर पूरे भारत में, नीतिगत स्तर पर पूरे भारत में एकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है ना। दूसरा लेफ्ट में ही लिखना है, सकारात्मक में ही लिखना है, नीतियों का क्रियान्वयन अधिक तीव्रता से होता है क्योंकि नीतिगत दृढ़ता कम होती है, नीतिगत दृढ़ता कम होती है, ठीक है। तीसरा लेफ्ट साइड में सकारात्मक में, राष्ट्रीय एकीकरण के स्तर पर बेहतर तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है, है ना। 5 अगस्त 2019 को वो एकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, है ना, और वीपी मेनन और सरदार पटेल के जमाने से वो जाके कंप्लीट हुई और पूरे तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण हो पाया है। तो एक जो है डिसिसिव गवर्नमेंट होने से ये होता है। नेक्स्ट, हाँ, सकारात्मक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर भारत की विचारधारा को या प्रस्ताव को अधिक सकारात्मक एवं गंभीर तरीके से लिया जाता है। जैसे देखिए, अभी हम चेयरमैनशिप हमने किया है यूएन में, तो अस्थाई सदस्य हम 2 साल के लिए, अगस्त में हमने चेयरमैनशिप किया था, अगस्त 2021, इस साल भी हम चेयरमैन होंगे, कौन से महीने में बता सकते हैं, दिसंबर के महीने, वेरी गुड। तो जब अगस्त 2021 में चेयरमैन थे तो मेरी टाइम सिक्योरिटी पर एक मोदी डॉक्ट्रिन आई, 5 पॉइंट्स हमने समुद्री सुरक्षा पर कुछ बातें बताई, पूरी दुनिया ने लोहा माना, भारत मान लिया गया है, हाँ बिल्कुल सही बात, पहले कोई नहीं सुनता था। भारत जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बोलना शुरू करता है तो लोग मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख के, भारत का मतलब भारत के प्रतिनिधि जो हमारे परमानेंट मेंबर होंगे वहां, शशि थरूर साहब जब होते थे या ऐसे लोग आज भी हैं, तो हमारे ऑफिसर जब बोलना शुरू करेंगे तो एक दूसरे को देख के लोग मुस्कुराएंगे,
देखना कितना मानववाद, उदारवाद, अब इतना बड़ा बड़ा बात बोलेगा, करेगा नहीं बस। वो ड्यूअल कैरेक्टर जो है, वो देखिए हमारे लिए ना ये चीज है, दुनिया के लोग जानते हैं ना फैक्ट्स, है ना, सोसाइटी में कितने ऐसे ड्यूअलिज्म, एक तरफ देवी का मंदिर, दूसरी तरफ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आइडियलिस्टिक सोसाइटी जब होगी तो लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, है ना। अब छोटी मोटी चीजों से हार जाते हैं, 12,000 सेना लेकर मोहम्मद गोरी आया, आप हार गए। क्वेश्चन आया है ना एक पीछे, भाई अंग्रेज आते थे यहाँ के जो शासक थे उनके पास ज्यादा सुसज्जित सेनाएं थी, क्यों हार जाते थे, है ना, आकर के हमें छोटे मोटे मामलों में लड़ा गए, कर गए, भाई ब्राइब कर देते थे, करप्ट प्रैक्टिसेस में फंसा लेते थे। चार राजा मिला हुआ है, एक दो राजा को कह दिया कि हुजूर बहादुर हैं आप, वो उछल पड़ा एकदम, है ना, कोई उपाधि दे दिया, कुछ कर लिया, होता था ना ऐसा। इससे हमारी वीकनेसेस है, कमियां हैं, तो इसको कभी कभी स्वीकार कर लेना चाहिए सच्चाई को, ठीक है। तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भाव नहीं देती है, पॉइंट देखिए ये है। लेकिन जब आप, और उसमें होता क्या है कि जब बाहर के भी कोई डिग्नेटरीज कोई आएंगे तो पीएम से मिलने के बाद भी विपक्ष के नेता से मिलकर जाते थे, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि जो कह रहा है होगा कि नहीं। लेकिन जब आप डिसिसिव होते हैं, पीएमओ एग्रेसिव है, लाइजन ऑफिस काम है ना, पहले जो कह दिया वो ब्रह्म की लकीर होगी, वो है कि अब ये होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी भाव देती है तो नेशनल सिक्योरिटी अच्छी होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको मानती है, समुद्री सुरक्षा पर पूरे दुनिया में भारत का जो प्रस्ताव था उसको मानना इसका बहुत बड़ा उदाहरण। लिख दीजिए उदाहरण के लिए, इसी में उदाहरण के लिए अगस्त 2021 में, हाँ इसी में नहीं तो किसी में, लेफ्ट में, उदाहरण के लिए अगस्त 2021 में समुद्री सुरक्षा के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत के प्रस्ताव पर, भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बड़े स्तर पर मान्यता प्रदान किया, है ना, ये बात है। वरना कहां होता था कि भारत जैसा देश चेयरमैनशिप करे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो कहे वो लोग मान ले बैठ के, उसे परमानेंट मेंबर मान ले, अमेरिका कहे कि वाह जी बड़ा अच्छा बात बोले, है ना, ऐसा कहां दिन देखे थे। ये तभी होता है। देखो गवर्नेंस हमने कहा था ना, नमक और चीनी के जैसा है कई चीजें। अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशन लिख रहे होगे वहां पे भी ये सब एग्जांपल थोड़ा पुट करोगे ना, किस वजह से इसकी क्षमता बढ़ रही, तो बहुत ही अद्वितीय अप्रतिम आपके आंसर होंगे, है ना, आपका इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त तरीके का होगा। इसलिए थोड़ा मतलब मल्टी डायमेंशनल होने के साथ साथ ये थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक से अंडरस्टैंड करने की जरूरत इसके लिए होती है, है ना। चलिए साहब एक और पॉइंट डालिए लेफ्ट में ही, भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित रहती है, है ना। तो हम लोग अगल बगल के भाइयों को बुलाते हैं, झूले पे झुलाते हुए हैं, गोली भी चल रहा होता है सीमा, उनको भी ऑर्डर है कि तुम अपना काम करते रहो, उनको जो ठीक लगे जस्ट टेक योर डिसीजंस। सामने वाले को भी पता है कि एक सेकंड नहीं लगाएगा उसको करने में, है ना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कोई तनाव नहीं है, फट से डिसीजन हो जाना है। तो नेशनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डोमिनेशन आपका रहेगा, पॉलिसी एक्सरसाइज बहुत अच्छा होगा, यूनिफिकेशन बहुत बढ़िया होगा, ये सब अच्छी बात है। कमियां क्या है, दाहिने साइड पीएमओ की अति सक्रियता की वजह से, पीएमओ की अति सक्रियता की वजह से मंत्रालयों पब्लिक विभागों विभागों के स्तर पर आत्मविश्वास एवं मनोबल की कमी अन्य मंत्रालयों, कर दीजिए एक शब्द डाल दीजिए अन्य, अन्य मंत्रालयों पब्लिक विभागों के स्तर पर आत्मविश्वास एवं मनोबल की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए गडकरी साहब का मंत्रालय
वो कुछ तय करे कि हम फलाना जगह पे एक्सप्रेसवे बनाएंगे, वो ऐसे से ऐसे घूमेगा, कुछ आ जाएगा उधर से कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, यहाँ पे हाईवे बने या ऐसा नाला वाला काट के ओवरक्राउड बना दो, या कोई ऐसा जो किसी शहर में आप मेट्रो ट्रेन बनाने चले हैं, होगा कि ब्रॉडगेज का मेट्रो रेल बनाए या ट्यूब ट्रेन या मीटर गेज का, मीटर गेज वाला पुराना टेक्नोलॉजी, जैसे आप यहाँ देखते हैं ब्रॉडगेज है, दिल्ली मेट्रो ब्रॉडगेज है, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी यही सब है। आप ये करने का सोचेंगे, अपना बजट वजट बना के रखेंगे कि हम ऐसा करके खूब नाम कमा लेंगे मंत्री के रूप में, ऊपर से आ जाएगा कि अभी इतना पैसा नहीं है मीटर गेज से करो, फिर क्या बोलोगे कि सर ऐसा नहीं है, इससे दिक्कत होगा, अब नई तकनीक आ गई है, तो क्या कहा जाएगा, अच्छा पहले हम नया मंत्री बुला लेते हैं तब ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ उधर से आने का, पॉइंट ये है कि लड़ाई मगरमच्छ से है कि पानी से, पॉइंट यही है। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार के स्तर पर कठोर फैसलों की वजह से, कठोर फैसलों की वजह से चुनौतियां उत्पन्न होती है ना, 75 से 77 हम देख चुके हैं। आज की गवर्नमेंट में भी कुछ कठोर फैसले ऐसे हो जाते हैं, जनता नाराज होती है, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन वापस भी लिए, किसान का कानून और आप देख सकते हैं ये सब, और लोग स्वीकार करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते भी हैं कि 10 डिसीजन लेंगे तो ये 2-3 कुछ कमियां भी हो सकती है, भाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट में जैसे फैमिली में पिताजी से गलती भी होती है, ऐसा नहीं होगा, घर का मालिक, लेकिन मालिक स्ट्रांग होना चाहिए, आइडिया नहीं कि मालिक कमजोर हो जाए, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। हम ये कभी भी रैशनलाइज नहीं कर सकते कि बहुमत की सरकार ना हो, गठबंधन की सरकार अच्छी, क्यों, क्योंकि भारत को ढुलमुल ढुलाते रहे पेंडुलम के जैसा, भारत आगे ही ना बढ़े, ये भी ठीक नहीं है ना, ये पॉइंट है। अभी भी देखिए गवर्नेंस का ये जो है ना, ये एकदम पछी नहीं रहा है, अभी भी क्वेश्चन हमारे पास यही है, क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल को कम मूल्य में लेना है ना, प्राइवेट में एकेश्वरवाद जिससे लोकल व्यवसाय में नुकसान कर रहा है, और फिर है कि निजीकरण में रॉ मटेरियल को कम मूल्य में लेना, प्राइवेट कंपनी के द्वारा अत्यधिक मूल्य में देना गरीबों किसानों के लिए समस्या है ना, ये मतलब ये चीज अभी जा ही नहीं रहा है। देखो हमेशा ये सरकार से दोगे ना तो गरीबों तक जाएगा ही नहीं, पहले भी तो कर ही रहे थे ना, कुछ भी पहुंचेगा ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी बीच में खा जाएगी। देखिए आप लोग इकोनॉमिक्स हो गया है तो आप पढ़े होंगे कि शुरू में महलानोविस और हेरान डोमर के सलाह से जो हमने काम शुरू किया बड़े बड़े क्षेत्रों में, गरीब को ध्यान में रख के किया कि सुदूर क्षेत्रों में कंपनियां या उद्योग लगा दो तो क्या होगा, यहां से विकास छन छन कर ऊपर से नीचे जाएगा, ये था, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। फायदा हुआ, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हुआ, क्योंकि बैकवास इफेक्ट हो गया। और गांधीयन आइडियोलॉजी शुरू से ये था कि ज्यादा लोक क्षेत्र के अधिकार को मत बढ़ाइए, प्राइवेट सेक्टर को रहने दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्यादा होगा। बेसिक शिक्षा की नीति पर चली, खुरपी कुदाल फावड़े बनाना सिखाई है ना, चरखे चलाना सिखाइए साथ में, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ के निकले, साइंस इंग्लिश भी पढ़ाइए, और वो पढ़ के निकले तो कोई ना कोई स्वरोजगार से लिप्त हो सके। हमने उस सब पे ध्यान नहीं दिया, हमने पब्लिक स्कूलिंग ली, आज हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आज स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है। तो गांधीयन आइडियोलॉजी में वो तो शुरू में ही चाहते थे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा करना है ना, उनकी आइडियोलॉजी को हमने ज्यादा फॉलो नहीं किया, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से, नेहरूवियन आइडियोलॉजी की वजह से। तो डेवलपमेंटल मॉडल तो हमारा शुरू का फेल्ड मॉडल है अपने आप में, हम ये नहीं कह सकते कि 100% ही फेल्ड है, कुछ हद तक काम किया है ना, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट सही नहीं। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि 2014 के आसपास आप देखोगे तो निबंध भी आया है कि क्या वो नीति की समस्या थी या नीति के क्रियान्वयन की समस्या थी जिसने भारत के विकास को मंथर बनाया, स्लो डाउन किया। यही सब तो है, यही सब तो हमारी रही है पहले। देखो अब ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि रॉ मटेरियल को कम मूल्य में लेना और प्रोडक्ट बनाकर अधिक मूल्य में बेचना, इससे क्या हो रहा है, गरीब तक नहीं जा रहा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये फ्रीडम देते हो ना रॉ मटेरियल लेने का सस्ते में, तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं जो सस्ते रेट पर पे दे रहे हैं प्रोडक्ट। चाइना की ही कंपनियां दे रही है ना खिलौने, चाहे कोई भी चीज, सामान, घड़ियां सस्ती है ना, हमारे पास भी ऑप्शन है कि नहीं है। अच्छा अगर आपके पास ऑप्शन है रॉ मटेरियल ले करके बनाने का और स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया से इजिली लोन मिल रहा है, तो यहाँ का गरीब व्यक्ति उद्यमिता क्यों नहीं कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने की जरूरत है ना, उसकी संभावनाएं यहाँ पर है।
सरकार की ही कंपनी अगर होगी, सस्ते दर पर ही देगी, घाटा सह सह के, बहुत सारा स्टाफिंग हो जाएगा, करप्शन होगा, एक दिन सबको लेकर के बैठ जाएगी। यही तो हुआ है। तो पीएसयूज हमारे सभी तो फेल हो गए। आज ये जितनी महारत्ना कंपनी के बारे में आप पढ़े हो, चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड हो, एनटीपीसी हो, ये सब महारत्ना बनी कैसे? महारत्ना के पॉइंट्स रटने से सिर्फ नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए, पहले से नवरत्ना होना चाहिए और उसका 2500 करोड़ नेट प्रॉफिट होना, सब रटे होंगे पॉइंट्स ऐसा, ये तो हो गया फैक्ट्स। बनी कैसे है ये बताइए? इंटरनेशनल जो पहचान उनकी बनती है, ज्वाइंट वेंचर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करते हैं ना। हमारे यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जर्मन कंपनी के साथ टाई अप करके स्टील चला रही है ना। आर्सेलर लिमिटेड के साथ टाई अप करके, जो कि लक्ष्मी निवास मित्तल का है, उनके साथ कर करके तो महारत्ना बने हो, वरना महारत्ना कंपनी कहां देखे थे हम, जो 1000 करोड़ से 5000 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट से बिना पूछे लगा सकती है। ये दिन हमने कहां देखा था? ये दिन तब देखा जब गवर्नेंस की पॉलिसी आई, तब जब हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पर चलना शुरू किया, ज्वाइंट वेंचर बनाना शुरू किया तब। तो एक आइडिया के रूप में ये फेल है ना, जो ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, एकदम से इरेडिकेट नहीं कर सकते कि मार्केट को एकदम खुला छोड़ दो जी, वो सब ठीक कर देगा, ऐसा नहीं। फिर तो लेजर फेयर स्टेट आ जाएगा ना। न्यू लिबरल क्या कहता है? स्मॉल स्टेट बट स्ट्रांग स्टेट। अब ये सब चीज होगा, जैसे इन्होंने कुछ चिंता व्यक्त किया कि रॉ मटेरियल सस्ता, प्रोडक्ट महंगा, तो हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देंगे, कहेंगे कि प्राइस इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते हो। आज आपके पास हाथ हाथ में मोबाइल फोन है, ट्राई है ना, ट्राई के होने से कॉल रेट कम हो गई, इतना इस तरीके का हुआ। आज भी कोई गड़बड़ करेगा तो उसको दंड दे देंगे। तो गवर्नेंस में भी बहुत सारा चीज है, अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी पढ़ोगे तो ये सब चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब संभाले नहीं जा रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा कैसे ऐसा आइडियोलॉजी के ऊपर जो है, एटीट्यूड पे ही हमला जैसा लग रहा है। यही चेंज करना है, यही मार्क्स बढ़ाने के लिए इसी चीज को बदलना है। क्वेश्चन इसी से मूड का आता है और वो पुराना चीज लेकर के हम लिखते हैं तो नंबर जो है वो ऐसा ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक और है, इसके और भी आ रहा है। पीजी में खाना खत्म हो जाता है। तो एक चीज बताओ, इतना सवाल पूछोगे तो भरपाई करना पड़ेगा ना। 9 बजे इसमें है कि 9 बजे क्लास खत्म कर दीजिए, पीजी में खाना, एक दिन खाना मत खाना। देखो ये जो एज है, ज्यादा खाने का एज थोड़ी है, कम खाना चाहिए, है ना। अभी के एज में कम खाओगे तो ठीक रहेगा। चलो छोड़ दो ये सब। हम लोग कहां पे थे? नकारात्मक प्रभाव देख रहे थे, ठीक है। उसमें हमने देखा कि क्या क्या देखा है भाई, नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार की समस्या होगी, और पहला क्या लिखे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नकारात्मक प्रभाव भारतीय परिप्रेक्ष्य में केंद्रीकृत संघवाद सेंट्रलाइज्ड पेट्रोलिज्म पर अधिक बल देने की संभावना है, बल देने की संभावना है। जिस पर राज्यों की सहमति ना हो, है ना, करेक्ट। देखिए, एक है कॉन्सेप्ट कॉपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया है कि संघ और राज्य दोनों के पास शक्तियां रहे। भारत में सामान्य परिस्थिति में राज्यों के पास भी संविधान शक्ति देता है, और लेकिन शक्ति का झुकाव केंद्र के तरफ ही अधिक है। कोई क्राइसिस आएगा तो केंद्र का ही चलेगा, चाहे आप समवर्ती सूची में कुछ काम करना हो या किसी भी तरह के इमरजेंसी प्रोक्लेम करना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप टैक्स का बंटवारा देख लीजिएगा तो आप देखेंगे कि टैक्स की सूचियां राज्यों में बहुत ज्यादा है, लेकिन सब गरीब टाइप के हैं, थोड़ा सा पैसा आता है, सेल्स टैक्स ये वो ऐसा वैसा करके। कोई पीएसयूज की बात करोगे तो गरीब टाइप के पीएसयूज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम लिमिटेड कितना कमाता होगा, और कुछ क्या क्या होगा वहां पे, कोई किसी भी राज्य का ले लीजिए, बिहार वेयर हाउस लिमिटेड, बिहार सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, सब्जी मंडी, ब्ला ब्ला, यही सब है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 54-58 कमाई,
इसे क्या होगा? किसी के पास कोई राज्य का महारत्ना कंपनी का नाम सुने हो? आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, सुने क्या? अब HPCL BPCL भी क्वालिफाई कर गए, महारत्ना किसकी कंपनी है? केंद्र सरकार की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड केंद्र सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC सब केंद्र सरकार। राज्य की कहां है? राज्य में जो भी है गरीबी की मार झेल रही। तो पैसे कभी देखेंगे तो चाहे PSUs हो या टैक्सेशन की चीजें हो, स्टेट्स के पास है नहीं कुछ। कुल मिला के वही होता है जो मंजूर है केंद्र होता है यहां पर, और उसमें भी अगर PMO शक्तिशाली हो जाए तब क्या होगा? तब ये सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म के जैसा बिहेव करने लगेगा। ये इसमें है, कानून बना करके जब हम कहते हैं लागू करने के लिए तो आप सुनते हो गए, अखबारों में पढ़ते हो गए, बिलीव मत करो, डोंट बिलीव इन दैट। कई बार जैसे केरला के मुख्यमंत्री कह रहे थे हम लागू ही नहीं करेंगे, कहने से क्या हो, कानून बनाने से, CAA बनाने से क्या हो, हम लागू ही नहीं करेंगे। ऐसा लगता है आपको कि संभव है? जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे दो तीन आर्टिकल है, 256, 257 और 258। ये है कि कानून बना के संघ राज्य को लागू करने के लिए कहते हैं, ये है कि रेलवे गुजरी हुई है सुरक्षा के लिए बात करें, कुछ PSUs वगैरह के लिए भी हेल्प करने को कहे, यहां से कोई काम राज्य को दे दे, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है फ्रॉम यूनियन टू द स्टेट्स। अगर कोई राज्य उसको नहीं मानता है, डिसोबे करता है तो क्या होगा? ये सब एक्टिवेट होने से एक आर्टिकल एक्टिवेट हो जाएगा, उसका नंबर है 365, है ना, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी हो चुकी है। एक आर्टिकल एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप, उसका नाम है 356। उसके बाद क्या होगा? केंद्र के पास कोई है तो भी केरला के मुख्यमंत्री कहते, वो सब राजनीति है। देखिए एक व्यवसाय होता है राजनीति का, आपका व्यवसाय क्या होने वाला है? प्रशासन का। और जो मीडिया उडिया में आता है वही राजनीति के व्यवसाय का बात सुन सुन के या उसी तरह का चीज सोच करके आप अपना कोई आइडिया बना करके मत रखिए। आप पढ़िए, आप बुद्धिमान लोग हैं। 130-135 करोड़ लोगों में 6,500 IAS है, वो भी इतना सीट फुल नहीं है, 5,500 है। आपका भाग्य अच्छा है ना, सीट खाली है, IAS IPS का सीट ज्यादा है। और आप मनाते रहिए कि राज्य का बंटवारा होता रहे, राज्यों के पुनर्गठन छोटे छोटे हों, जैसे UP भी 2-3 बार हो जाए तो ज्यादा IAS IPS का जरूरत होगा, आपके पास ज्यादा सीट रहेगा, जल्दी भर्ती होगा, थोड़ा सा नंबर कम आया, रैंक नीचे भी गया तो मिला। अब ये ऐसा दिन स्वर्णिम काल चल रहा है ये भर्ती का। एक जमाना था जब 30-35 रैंक से ज्यादा जनरल कैटेगरी में आते थे लोग तो चिंता होती थी कि IAS बनेंगे कि नहीं, अब तो 105-106 भी होगा तो हो जाएगा। 250 रैंक पे IPS बनते कहां मिलेगा यार? ये तो मतलब समझिए कि अब नहीं बने ना तो कभी नहीं बन पाओ, खाना वाना छोड़ दो, 9 बजे बंद हो जाता है, इसके बाद वो संभावना ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट नकारात्मक में बोलने का अधिकार है, इसलिए लोग बोलते हैं। अरे चलो, इतना बड़ा देश है, इतना हर जगह कार्रवाई ही करते रहोगे तो रह जाओगे, ऐसे बोलते बोलते शांत हो जाएंगे। कुछ चीजें टाइम से सेट होते हैं अपने, कुछ प्रकृति को भी करने दो, है ना। लिखो अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री कार्यालय की अति सक्रियता की वजह से, सक्रियता की वजह से संघ राज्य के स्तर पर विवाद के मुद्दे अधिक उभरते हैं, नेक्स्ट PMO की अति सक्रियता। शंका होने की वजह से ही महात्मा गांधी जैसे विचारक के द्वारा यह कहा गया, कि संसदीय प्रणाली अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें बहुमत का शासन होता है और कभी कभी प्रधानमंत्री की सरकार, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट, जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महात्मा गांधी चर्चिल का उदाहरण देकर भी ऐसी चिंता व्यक्त किया करते थे, है ना। देखो जब भी आलोचना करनी हो तो ऐसे तरीका अप्लाई किया जाता है, डायरेक्ट फायरिंग लाइन पे आने से अच्छा होता है कि फिर इंटेलिजेंस का उपयोग करें। गांधी जी कहते थे कि भाई ये जो संसदीय प्रणाली है ये सब ठीक नहीं है,
ग्राम स्वराज है ना, बॉटम अप डेमोक्रेसी है ना, विलेज फेडरेशन बनाइए तो अच्छा होगा, वो सब ये सब की आइडियोलॉजी में थी, ठीक है। और चर्चिल की एग्रेसिवनेस, वहाँ के पीएमओ के एग्रेसिवनेस की आलोचना काफी उन्होंने अपने थॉट्स में की। तो ये दोनों तरह का पक्ष है, पैराग्राफ छोड़कर आ जाइए नीचे, बाएं दाएं से नीचे उतर गए। उपर्युक्त नकारात्मक प्रभाव, अब लेफ्ट राइट हट जाइए, उपर्युक्त नकारात्मक प्रभाव में सुधार के लिए निम्नांकित प्रयास करना चाहिए, निम्नांकित प्रयास करना चाहिए है ना। देखो जो सकारात्मक है उसमें कुछ टेंशन नहीं है, जो निगेटिव है उसमें सुधार करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू पर बल दिया जाना चाहिए है ना। जब भी जुडिशियल रिव्यू होगी तो एग्जीक्यूटिव कभी भी एग्रेसिव नहीं हो पाए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सक्रियता के लिए भी प्रयास होना चाहिए है ना। क्या होता है कि कभी कभी आलोचनाएं अच्छी होती, कपड़े को खींच देना चाहिए, पटक देना चाहिए, उसमें से मैल निकल जाता है। इंदिरा गवर्नमेंट में जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बचाई थी, जैसे किसी फैमिली में कुछ गड़बड़ होगा तो अगल बगल वाले सुन लेते हैं, तो आ जाते हैं, ये क्या हालात हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। उसके दबाव में भी जो थोड़ा एग्रेसिव व्यक्ति होगा या हेड ऑफ द फैमिली होगी तो ठीक हो जाता है, अरे तो मामला सोशल प्रेशर हो जाता है ना, ऐसा ये भी बहुत जरूरी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ठीक रहेगा। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी, सिविल समाज या एनजीओ, सिविल समाज या एनजीओ की भूमिका को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 1975 से 77 के बीच, 1975 से 77 के बीच होने वाले आपातकाल, होने वाले राष्ट्रीय आपातकाल, कब से कब तक, 25 जून 1975 से 21 मार्च है ना, होने वाले आपातकाल के विरुद्ध पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी, पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी, पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी, जैसे एनजीओ ने आंदोलन किया था, जेपी का नाम सुने, जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट जो था ना, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, यही एनजीओ तो सपोर्ट कर रहा था। जितने सन ऑफ द सॉइल हैं, लालू जी, मुलायम जी, कुदरी के लाल, ये सब इन्हीं से निकले। ऑर्बिट पार्टियां जितनी हैं, जितनी पार्टियों में समाजवादी, लोकतंत्र, ये सब सब लिखा हो, जनता, इवन आज जो पार्टी केंद्र में भी है, इन सबकी फैमिली का जन्म यहीं से हुआ है। तो ये क्या है, ऑर्बिट डेमोक्रेसी के लिए सिविल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत है ना। स्वतंत्रता के बाद एक दूसरा बड़ा मूवमेंट जनता का, वो यहीं पर दिखाई देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, जब हम आरटीआई पढ़ेंगे तो भी इसको याद करेंगे। इसी ने पीएलएल किया था 2003 में कि जितने राजनेता हैं, सांसद, विधायक, इन सबके बैकग्राउंड जो है के बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार होना चाहिए, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये सब संस्थाएं, देखो नाम क्या है, सिविल लिबर्टी, ऐसा ही एक एनजीओ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, जन प्रहरी, जन चौकीदार, मजदूर किसान शक्ति संगठन, केडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पढ़ेंगे लोग धीरे धीरे सब जानेंगे। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल सटीक है, इसका एग्जाम्पल देना है। तो इससे आंदोलन हुआ तो है ना, रिवोक किया गया, वापस लिया गया, और आपातकाल खत्म हुआ, वरना जल्दी और भी लंबा कहीं ना कहीं जाता, ये सब रहेगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। फिर लोकल बॉडीज को भी मजबूत करना चाहिए, स्थानीय इकाई को, गांधी आइडियोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट, गांधीवादी विचार के अनुरूप, गांधीवादी विचार के अनुरूप, गांधीवादी विचार के अनुरूप स्थानीय इकाइयों को मजबूत करते हुए ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकृत नियोजन, ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकृत नियोजन इत्यादि, विकेंद्रीकृत नियोजन इत्यादि बिंदुओं पर भी बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। अब आपने जितना मेहनत किया, इसी भी क्वेश्चन में मैंने तीन तरह के क्वेश्चन लिखवाए, वहां पे कंटेंट यहां से निकल जाए, इतनी बातें सभी जगह नहीं बता पाओगे, और सबको लिखने का प्रयास भी नहीं करना, पीएमओ सक्रिय हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। इसलिए सारे पूरे हिस्ट्री के साथ ही एक एग्जांपल के साथ लिखवाया कि किसी को कुछ याद रहेगा, किसी को कुछ रहेगा, किसी को कुछ रहेगा, दो तीन ही एग्जांपल दे पाओगे, दो तीन गवर्नमेंट के आता है ना। अगर कम लिखवाते हैं, एक ही दो एग्जांपल लिखवाते तो सभी आंसर वही आता, राजीव गांधी उदाहरण में, इंदिरा गांधी उदाहरण में आते, कहीं से भी उठा करके दो तीन, जैसा है, जैसा मेहमान है, 150 में है तो 250 में है तो अकॉर्डिंगली हम लोग कर पाए। जितने लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है वहां पर भी काम आ जाए, कितने लोगों का, यहाँ बताइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय का क्वेश्चन आया है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखोगे तो आईजीपी है ना, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेपर 1, वहां भी आया। आप लोग के लिए जीएस में, आपको लगता है कि जो दिन चल रहा है अभी, पीएमओ कभी कमजोर होने वाला है, तो करंट में हमेशा रहेगा ही, कभी करंट मार देगा, क्वेश्चन आ जाएगा कभी, तो अब कब आएगा ये तो मैं नहीं जानता, तो आ जाएगा तब पढ़ने से कोई फायदा है, इसीलिए दृष्टि रिविजन चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नए इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्रेटेरिएट, मंत्रालय, विभाग, जो हमने देखा था, एक नया चैप्टर लिख दीजिए, सचिवालय, तो समय बहुत कम है, आज पूरा उठाने से होगा भी, एक इंट्रो इसका देख लेंगे हम लोग अभी। ये जो शब्द है ना सचिवालय, ये बड़ा मैजिकल वर्ड है ना, आप इसको अभी के लिए फिलहाल इसके ऑब्लिक देख के मंत्रालय
पब्लिक देकर विभाग लिखते हैं, ये सब एक ही तरह की चीज होती है। और ये सेक्रेटरीट चाहे केंद्र के लेवल पर हो या राज्य के लेवल पर, आप यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देने जाएंगे, पीटी का भी, केंद्रीय सचिवालय पे पीटी में भी सवाल आया हो उसके फंक्शन पर, हाँ पूछा। तो अगर पीसीएस के एग्जाम में भी जाए, केंद्रीय सचिवालय की भूमिका, सॉरी यूपी राज्य सचिवालय की भूमिका पूछे तो भी यही बताना होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सचिवालय जो शब्द है ना, ये कोई एक कोई ऑफिस को नहीं कहते, पहले समझिए, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, कभी मेट्रो से घूमने जाएंगे, गए मेट्रो में, तो उसमें एक स्टेशन का नाम लिखा होगा केंद्रीय सचिवालय, तो एक बार क्या करना है, रिसर्च कर लेना, उतर जाना जहां लिखा होगा केंद्रीय सचिवालय, और बाहर निकल के पूछना किसी को भी केंद्रीय सचिवालय जाना है, कहीं ले ही नहीं जाएंगे। या खूब ढूंढ लेना चारों बगल कि कोई एक बिल्डिंग मिले जहां बोर्ड लगा हो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कोई मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई ना कोई मंत्रालय या विभाग में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के तरफ नीति भवन है, मिलेगा शास्त्री भवन, इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री है, 50 तरह की मिनिस्ट्री है, अलग अलग मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय बोल करके कुछ भी नहीं होगा। लेकिन स्टेशन का नाम है, जैसा स्टेशन का नाम है विश्वविद्यालय, अब बाहर निकलोगे तो विश्वविद्यालय मिलेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय, स्टेशन का नाम है जीटीबी नगर, तो निकलोगे तो बाहर लोगों से पूछोगे जीटीबी नगर कहाँ है, यहाँ है, जाकर पूछना केंद्रीय सचिवालय, कहेंगे क्या है, कौन सा जगह जाना है, वो जगह पूछेंगे, आप बोलते रहोगे उनको समझ नहीं है। इससे क्या सीखने को मिला, केंद्रीय सचिवालय बोल करके कोई भौतिक स्वरूप वाला कार्यालय नहीं होता है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, यह है क्या, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड, ये एक संकल्पना है जो दो चीजों पर आधारित, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटम, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, और टेन्योर सिस्टम, अवधि प्रणाली पर आधारित। इससे पहले कि ये हम सब जाने, इसकी भूमिकाओं को जाने, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें, कि सचिवालय आया कैसे, कब से आ गया, कहां से आया, पुराने जमाने में जाएं थोड़े इतिहास में, तो पहले तो जब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था तो राजशाही होती थी हमारे पास, तो राजा के पास सचिवालय क्यों नहीं होता, मतलब राजा के पास लाठियां होती थी, सेनाएं होती थी, पुलिसिंग ये सब करते थे, बहुत सारा चीज, सचिवालय क्यों नहीं बनाते थे, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से काम करने उनको नहीं आता, प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसे महाप्रतापी राजा निकले नहीं, अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र को पढ़ें, नाम भले अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान और प्रशासन की पुस्तक है, तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटेरिएट सिस्टम के बारे में थोड़ी चर्चा है, उन्होंने थोड़ी की, और अमात्य जैसा अधिकारी जिसको आज कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, वैसे अमात्य जो होता था वो प्रशासनिक अधिकारी का सबसे टॉप लेवल पे होता था, तो कुछ हद तक है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। ये कहां से हुआ, और अगर पीछे जाए तो ब्रिटेन जाना पड़ेगा, जो राजशाही का घर वही है, इतने पुराने समय से है, ठीक है, तो ब्रिटेन पहुंच जाइए, पहुंच गए, तो इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड से भी पीछे चले जाएं, सेक्शंस की बात करते हैं, है ना, तो जो पहले तो इंग्लैंड था नहीं, सेक्शंस होते थे, जैसे सेक्शंस, नॉर्थम्ब्रिया, ऐसे छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ कैसे छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, ऐसे होते थे, और यूजुअली ये टाइम 800-900 है ना ईसा की बात हम कर रहे हैं। उस जमाने में क्या होता था कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, वहां से वाइकिंग्स आते थे, देखे हो सीरियल, देखे हो वेब सीरीज, कितने लोग देखे वाइकिंग्स, हाँ उठाइए, तो देखे हो तो सवाल पूछूंगा, वो अटैक किया करते थे आके, इस पर सेक्शंस किंग पर अटैक करते थे, खास करके चर्च में हमला करते थे, क्यों हम आते थे वो, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं था, ज्यादा हाइट पे थे, ज्यादा ऊंचाई पे थे, बर्फ जम जाता था कुछ दिनों तक, ना एग्रीकल्चर कर पाते थे, अच्छा पशु सब खा चबा जाते थे, फिर मिलते थे भालू, और भालू को कैसे खाओगे, कितना खाओगे, लड़ना भी पड़ता था, खतरा से खाली नहीं, और बर्फ में दब के भालू रह जाते थे, वो खोज भी नहीं पाते थे, तो ऐसे समय में फिर वो चलते थे कि चलो अनाज देखें कहां मिलेगा, या कुछ लूट के लाना है, लुटेरे थे, साहसी थे, लुटेरे थे, चर्च में जाके लूटा करते थे, वहां पे कुछ मिल जाता था उनको खाने पीने का, उसको भर भर के लाते थे, ऐसी जिंदगी चलती थी। इससे बचने के लिए सेक्शंस और नॉर्थम्ब्रिया, चूंकि बार बार अटैक होता रहता था, यूनिफिकेशन इंग्लैंड का हुआ, जैसे ये लोग देखे हैं तो राजा एकबर्ट के बारे में देखे होंगे, है ना, तो यूनिफिकेशन हुआ, ऐसे ऐसे राजशाही बनी, उसी में एक रानी आई एलिजाबेथ फर्स्ट, आप जानते हैं एलिजाबेथ सेकंड का डेथ हुआ है, तो देख लेते हैं कैसे दिखती थी, थोड़ा सा और कंडीशनिंग ठीक हो जाएगी, है ना, तो यहां से कुछ काम शुरू हुआ। ये है मैडम 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथ फर्स्ट वर्जिन क्वीन रही है, इन्होंने शादियां नहीं की, क्योंकि मतलब शादी नहीं की इसलिए कि इनको सिस्टम को ठीक करना था, ठीक है, अच्छा करना था नागरिकों के लिए, मतलब अच्छी जानी पहचानी उनके यहाँ की रानी थी। तो राजा एकबर्ट के जमाने से शुरू करें, है ना, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब इंग्लैंड हो गया, एकीकरण हुआ, और ये स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला करके आज ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, आज की बात अलग है, ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे सेक्रेटेरिएट सिस्टम या किसी तरह की एक सुव्यवस्थित तरीके से शासन करने की बात शुरू हो गई, मान लीजिए, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि विधायी जैसी संस्था के आंशिक स्वरूप हमें यहां देखते हैं। यहीं पर नॉटिंघम एक जगह है इंग्लैंड के नजदीक, जहां से एक व्यक्ति होते थे रॉबिन हुड, है ना, नाम सुने हैं, कितने लोग सिनेमा देखे रॉबिन हुड, सारा देख लियो, अच्छा इधर देखे, उधर पीछे वाले ऐसे छोड़ देते हो, ये सब जरूरी है सिनेमा देखना, है ना, देखना अच्छी फिल्म है रॉबिन हुड, जैसे सलमान खान कई फिल्मों में कहते हैं कि हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, तो कुछ अच्छी बातें होती होंगी ना,
देखो एक व्यक्ति नॉटिंघम का टाइम है 1199, 1199, ये व्यक्ति अमीरों को लूट करके गरीबों को दान करता था, है ना, इसलिए फेमस हो गया था, लोकप्रिय था, साहसी था, पहला व्यक्ति जो आवाज उठाया कि यार जो टैक्स लेते हो, राजशाही टैक्स जो लेती है, तो कुछ तो पहले बता तो दिया करो कि हम अनाज अपने खाने का रख लें, आके लूट लेते हो, है ना। इसी समय बड़ा एक ऑथोरिटेटिव राजा हुआ करता था, किंग जॉन, है ना। और रॉबिनहुड के प्रयास से रॉबिनहुड ने आवाज उठाना शुरू किया, है ना, नॉटिंघम का एक जाबाज आपके जैसा, इसने आवाज उठाना शुरू किया, तो राजा को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा और 1215 में मैग्ना कार्टा, 1215 में मैग्ना कार्टा पारित हुआ। मैग्ना कार्टा पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है ये जो नागरिकों के कुछ अधिकारों की बात करता है। यही प्रक्रिया आगे चलते चलते 1687-88 में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के नारे लगाती है और बिल ऑफ राइट्स जैसा चीज निकलता है ना। वही बिल ऑफ राइट्स आपके यहाँ मूल अधिकार के रूप में देखता है। अमेरिका के रास्ते घूम के आते हुए अमेरिका का संविधान बनाने वाले बैठे 1776 में फिलाडेल्फिया में, और अमेरिका का संविधान 1789 से लागू हुआ, 1791 में अमेंडमेंट करके वही बिल ऑफ राइट्स जो यूके का था, मतलब 1687-88 के फाइनेंशियल ईयर का, उसमें थोड़ा रिफॉर्म करके उन लोगों ने अमेरिका में अपनाया। हम लोग ज्यादा उनसे प्रभावित हो गए। हम लोग हालांकि दोनों से हैं, ये बच्चे के लिए है कि हम लोग अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स इतने, ऐसा नहीं, दोनों ही मॉडल को हम लोगों ने देखा है प्रभावित हुए, ठीक है। तो धीरे धीरे एक तरीके से ना टुवर्ड्स सिटीजन जो है जा रहा है पावर, इसी रास्ते एक प्रक्रिया है, मतलब लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है, संसदीय प्रणाली के उदय की प्रक्रिया है, सेक्रेटेरिएट सिस्टम के उदय की प्रक्रिया है। सेक्रेटेरिएट होगा तो जनता का शोषण करने के लिए कि अच्छा करने के लिए, बताओ, अच्छा करने के लिए, क्योंकि कल्याणकारी नीतियां बनाई जाएंगी तभी तो ये एग्जीक्यूट होंगी ना। ये है, ये मैडम थी जिन्होंने जो हाउस ऑफ लोकल्स होता था उस समय, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, वहां का संसद, पहले स्थानीय मामले को उठाने के लिए अधिकार दिया, इसी मैडम ने सबसे पहले, एलिजाबेथ फर्स्ट, कि जो लोग हैं अपने मामले उठाइए एक जगह बैठ जाए, धीरे धीरे वो संसद बन गई, वहां हाउस ऑफ लोकल्स ही कॉमन्स के रूप में हो गई। कहानी कुछ ऐसी है कि मोहब्बत से लोकतंत्र का उदय हो गया, है ना, राजशाही से संसद की तरफ सत्ता का स्थानांतरण हो गया। और पहले ये एक राजा आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जॉर्ज फर्स्ट, टाइम है 1714। ये इनका कोई संबंध नहीं रहा इंग्लैंड से, ये जर्मनी के राजकुमार थे, जर्मन राजकुमार, हैनोवर के राजकुमार को मोहब्बत हो जाता है ब्रिटिश राजकुमारी से, है ना, और विवाह कर दिया जाता, और चूंकि मेल डोमिनेशन सोसाइटी थी तो ये व्यक्ति बन गए राजा, है ना। अभी राजा बन गए तो दो तरह की समस्या थी, भारतीय दिमाग से मत सोचना कि राजा बनने के लिए क्या होगा, ऐसा नहीं, इंडियन मेंटालिटी, मोहब्बत हो गया था, प्रॉब्लम दो थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, इंग्लिश बोलने समझने नहीं आता था, जर्मनी के थे, जर्मन भाषा भाषी में थे, मोहब्बत के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती है, तो वो हो गया, लेकिन अब काम करना है राजा के रूप में तो दिक्कत हो रहा था। दूसरा जो है वो था कि हम इंग्लैंड के लोग के लिए कल्याण क्यों करें, कोई मतलब कोई इनके पास कोई पॉइंट नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं, भारतीय दिमाग से नहीं सोचना, जर्मनी का रहने वाला तो कभी किसी को जाना ही नहीं, तो हम इसके कल्याण के लिए क्यों करें। इसी दरमियान वही हाउस ऑफ लोकल्स, स्थानीय मामलों की जो चीजें हो रही थी, जो मैडम ने शुरू किया था, ये एक व्यक्ति डील कर रहा था, उसका नाम है रॉबर्ट वॉलपोल, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री, ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, है ना, इन्होंने अपने आप को घोषणा किया कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं, और लोगों ने क्लेम किया है। ये व्यक्ति मैनेज कर रहे थे उस लोकल्स के मामले को, इनको बुलाया इन्होंने, इस राजा ने, जब राजा बन गया, शादी तो हो गई थी 1706 में, प्रिंस बन गया था 1714 में, राजा बने जॉर्ज फर्स्ट, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं टैक्स लगा के दे दूंगा आपको, टैक्स 1687-88 का नारा लग चुका है पहले, मैं बात कर रहा हूं 1714 का, तो आप जैसा कहोगे, मतलब वो जो लोगों की जो सभा है, वो जो कहेगी कि इतना टैक्स लगाइए, मैं ले करके आपको दे दूंगा, आप कल्याण के कार्यक्रम को चलाओ, सिस्टम को ठीक करो, कार्यपालिका को मजबूत करो, और कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आना चाहिए, वरना छोड़ूंगा नहीं। इनको बड़ा अच्छा लगा, ये मौके की बात है, तो यहां से पावर ट्रांसफर शुरू हो गया। ये पहला जगह है जब राजशाही से, है ना, संसद की तरफ सत्ता का स्थानांतरण हो गया, अर्थात ये मोहब्बत नहीं हुआ होता तो लोकतंत्र का उदय भी थोड़ा लेट से होता, तो कुछ अच्छा ही चीज है शायद, आपके उम्र में कुछ ज्यादा ही समझ में आता है ये बात, तो कहानी ऐसी, ठीक है। अब ये व्यक्ति इसी का फायदा उठाते हुए घोषणा कर दी है 1721 में कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमें क्या कहा जाएगा, प्रधानमंत्री। अपने कुछ दोस्तों को इन्होंने कहा कि ये लोग मंत्री परिषद कहलाएंगे, ये मंत्री होगा हम, ऐसे संसदीय प्रणाली का उदय होगा। आप पढ़ोगे या रटोगे कि ब्रिटेन में प्रथा परंपरा से संसदीय प्रणाली का उदय हुआ, कैसे हुआ है वो यही कहा, प्रथा और परंपरा, राजा राजा को जानेगा, राजा से राजा का बात हो। इन्होंने जर्मनी फ्रांस से संबंध बनाना शुरू कर दिया बिना इनसे पूछे हुए, तो लोगों ने विरोध भी किया आगे चल के, मतलब इनके बेटे भी उसमें आगे जाते हैं, और लोगों ने कहा जो हाउस ऑफ लोकल्स थी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स बन गई, विरोध शुरू हो गया, और ये कहा गया कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये बात तो राजा को करना चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जाओ तो हम रिजाइन कर देते, इनके सारे दोस्त भी रिजाइन कर दिए, तो एक प्रथा बन गई कि जब प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे तो मंत्रिपरिषद डूब जाएगी, खत्म हो गई, हमने आर्टिकल 75 में लिखा पढ़ी किया, तो ऐसी प्रथा परंपरा से डेमोक्रेसी का उदय होता है। पॉइंट ये नहीं है, हमारा जो संदर्भ है सेक्रेटेरिएट का वो ये कि एक लंबा समय मिला, जैसे 1727 के बाद इनके बेटे, ये जो मोहब्बत हुआ उसके बाद ये बेटे भेज दिए गए जर्मनी, जॉर्ज सेकंड, और ये भी जर्मन भाषा भाषी कल्चर में होकर वैसे ही बन के आ गए जैसे पिताजी थे, तो उसी सिस्टम को बनाए रखा। 1714 से लेकर 1760 तक
जो राजा है वो बहुत सक्रिय हुआ ही नहीं, इतने में संसद को मौका मिल गया आगे बढ़ने का, इतने में इस व्यक्ति ने जो शुरुआत करी, आगे आने वाले लोगों ने सेक्रेटेरिएट सिस्टम को मजबूत कर दिया कि भाई फाइलें रखी जाएंगी, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको डील किया जाएगा, नीतियां बनेंगी, नीतियों का क्रियान्वयन होगा, और इस तरीके से सेक्रेटेरिएट सिस्टम हम उनके गुलाम बनते हैं। और हमारे यहाँ शुरुआत तो 1853 से आंशिक शुरुआत होती है सेक्रेटेरिएट की, लेकिन 1858 से शुरुआत होती है जब हमें ये चार दिखाई देते हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। 1858 भारत में जब हम स्वतंत्र हो रहे थे, यानी 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास 18 मंत्रालय थे, आज की तारीख में 100 से ज्यादा मंत्रालय। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि आया कैसे, कहां से इसकी बात हुई। सो ही इज द वन जिन्होंने सेक्रेटेरिएट सिस्टम को शुरुआत की, और ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में लोग समझने लगे कि देखो सचिवालय बना के काम करो, राजा नहीं बनाता था ये सब। बात समझ आ रही है? अब तो समय और उनका वो डिनर छूटने वाला है, ये सब मुझे याद आ रहा है, कल बात करेंगे इस पर डिटेल्स।